हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ढेर सारा स्टेशनरी का कलेक्शन। और आज तो मेरे पास एक से बढ़कर एक स्टेशनरी कलेक्शन है। यहाँ पे मेरे पास स्पाइडरमैन की भी स्टेशनरी है, हेलो किटी की भी स्टेशनरी है, फ्लेयर है, यूनिकॉर्न है और भी बहुत कुछ है। तो चलिए एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट करते हैं और पूरी वीडियो आप भी एंड तक देखिएगा ज़रूर। और एंड तक देखने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगे उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले आज मेरे पास क्या है, सबसे पहले आज मेरे पास है ये एक छोटी सी कैंडी जो कि यहाँ पे एक टॉफी के लुक में है। और एक नहीं, मेरे पास ऐसी दो टॉफीज हैं जो कि यहाँ पे एक है पिंक कलर की और एक है ये ऑरेंज कलर की। सो ये दो टॉफीज यहाँ पे मेरे पास है जो कि है एक्चुअली में एक हाईलाइटर। यस, इसको देख करके लगेगा नहीं कि ये हाईलाइटर है बट एक्चुअली में ये एक हाईलाइटर है। चलिए इसको ओपन करके दिखाते हैं। सो ये है पिंक कलर का यहाँ पे पूरा लुक, जिसको ओपन करते ही कुछ इस तरीके से मुझे इसके अंदर मिल जाएगा ग्रीन कलर का हाईलाइटर, जिसको आप अपना यूज कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। और देखिए कितना अमेजिंग ये पूरा लुक है। और ये तो आपके पॉकेट में भी आ जाएगा और किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में या पेंसिल पाउच में भी आ जाएगा। सेम ऐसा एक और हाईलाइटर है जो कि है ये ऑरेंज कलर का, जिसके अंदर यहाँ पे ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई है। और इसको ओपन करते ही इसके अंदर भी मिलता है ये ग्रीन कलर का हाईलाइटर। तो ये देखिए ये पूरा ऑरेंज कलर का लुक और अंदर से ग्रीन कलर का हाईलाइटर, और इसको बंद करके ये पूरा टॉफी और कैंडी के लुक में बन जाता है। देखिए है ना बिल्कुल टॉफी का लुक। तो रखते हैं इसको साइड में। नेक्स्ट मेरे पास है ये क्यूट सी ज्योमेट्री बॉक्स जो कि है यहाँ पे एक बैट की शेप में, जो कि क्रिकेट खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बैट की शेप का पूरा ब्लू कलर का एक यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स एंड ये है बहुत सुंदर सी पेंसिल बॉक्स। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले ये है बैक साइड जो कि बिल्कुल प्लेन है और ये बिल्कुल बैट के लुक में जो कि यहाँ पे पूरा शेप में है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। तो ओपन करते ही यहाँ पे मिलता है कुछ इस तरीके का लुक, जिसमें हमें मिल जाता है एक स्केल। और यहाँ पर ये ऑलरेडी मुझे ज्योमेट्री बॉक्स में मिला था, तो ये 15 सेंटीमीटर स्केल इसमें मिलता है। दूसरा यहाँ पर मिलता है एक ये टाइम टेबल जो कि है टाइम स्केड्यूल, जिसके ऊपर यहाँ पर एस्ट्रोनॉट की पिक्चर भी बनी हुई है। तो ये एक स्टिकर है जिसको आप कहीं पर चिपका भी सकते हैं। So, ये एक अमेजिंग सी पेंसिल बॉक्स। नेक्स्ट है ये एक प्यारी सी पेन की शेप में इरेजर्स जो कि है मल्टी कलर इरेजर। इसके अंदर मुझे 5-5 डिफरेंट डिफरेंट कलर की इरेजर मिलती है और इसको बाहर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि ये एक पेन है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये कैप हटाते ही इसमें मुझे मिल जाती है ये ग्रीन कलर की इरेजर जो कि हम यहाँ पर ईजिली इरेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर हम शफल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसके बाद मुझे मिल जाएगी ये पर्पल कलर, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर मिल जाएगी ये पिंक कलर, और यहाँ पर इसके बाद हमें यहाँ पर मिलती है ये येलो कलर जो कि अभी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिल जाती है ये येलो कलर, और उसके बाद मिलती है यहाँ पे ये स्काई ब्लू कलर। और ये सारी यहाँ पे हमें अलग अलग कलर की इरेजर्स मिल जाती है जिसको हम बंद करके यूज़ करने के बाद रख सकते हैं और ऐसा लगेगा जैसे कि ये एक पेन है और यहाँ पे बट इसके अंदर हमें मिल जाएंगी इरेजर। चलिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास है एक और इरेजर जो कि इसी तरीके के लुक में है, बट ये है डायनासोर के लुक के इरेजर जो कि है ग्रीन कलर का, और ये भी एक पेन जैसा लुक दिख रहा है। इसके ऊपर हुआ है ये एक डायनासोर, जिसमें एक लड़की ने डायनासोर की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है और इसके ऊपर डायनासोर लिखा भी हुआ है। और ये पूरा ग्रीन कलर का पेन है, जिसमें से हम बैक साइड से इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी ये इरेजर, जिससे हम इजीली इरेज कर सकते हैं और बिल्कुल पेन के लुक में ये पूरा इरेजर चलेगा। और वापस इसको बंद करके हम अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं। इस पूरे पैक के साथ ना मुझे एक रिफिलर भी मिला था गाइस, जो कि हम यहाँ पे रिफिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी रखते हैं साइड में। नेक्स्ट मेरे पास क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास ये एक आइसक्रीम जो कि है यहाँ पे पिंक पिंक कलर की आइसक्रीम। और ये आइसक्रीम क्या है, ये भी एक हाईलाइटर है। तो ये एक छोटा सा पिंक कलर का यहाँ पे आइसक्रीम और जो कि ये हाईलाइटर है, इसको भी हम ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और देखिए इसके अंदर तो मुझे मिल गया येलो कलर का हाईलाइटर। और ये देखिए कितना शाइनी शाइनी हाईलाइटर है, और इसको वापस बंद कर देते हैं। सो ये बहुत अमेजिंग, बहुत ही प्यारा सा ये आइसक्रीम शेप का हाईलाइटर। इसके बाद मेरे पास है मैप्ड का ये प्रोडक्ट जो कि है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट, और इसमें मुझे मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के स्केच कलर्स। चलिए पहले इस पूरे पैक को देखते हैं। ये तो बिल्कुल फ्लावर जैसे यहाँ पर पूरा ओपन करके रखा हुआ है, बट इसको आप बंद भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये है स्केच कलर के पेंस जो कि यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, और इसमें है 12 कलर्स, और इसमें आपको बेसिक
सारे कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें आप देखिए यहाँ पे लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, क्रीम, रेड, ब्लैक, ब्राउन, यहाँ पे जो है स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, यहाँ पे आपको येलो, पिंक एंड ये आपको एक और ब्लूइश कलर। सो ये 12 के 12 कलर हमें मिलते हैं जो कि यहाँ पे कैप्स के साथ अटैच किए गए हैं। कैप्स जो है ये यहाँ पे पूरे बेस के साथ अटैच है और इसको फ्लावर की तरह ओपन करने के लिए हमें बस दोनों थंब से इसको ऐसे प्रेस करना है और ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे एक फ्लावर की तरह ओपन हो जाएगा, जिसमें से अगर हमको कोई भी कलर निकालना है, जैसे मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर निकालना है तो मैं ये ग्रीन कलर निकाल लूँगी। और ये देखिए ये पूरा लुक इसके ऊपर मैप लिखा भी हुआ है और यहाँ पे पूरा कलर कॉम का जो है ग्रीन गोल्फ यहाँ पे भी लिखा हुआ है और देखिए कितना अच्छा स्टाइल बना हुआ है पूरे कलर का। और इसमें से ये जो कलर है इसको आप देखिए तो इसके टिप्स भी काफ़ी मोटी है, जिसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से चला सकते हैं। ये देखिए कितना अमेजिंगली ये पूरा जो है यहाँ पे कलर चल गया है। इसको वापस से हम इसके अंदर रख देते हैं और ये देखिए कितने सारे कलर्स इसमें अंदर हमें मिल जाते हैं। तो इसमें से जो भी कलर आपको यूज़ करना है आप यहाँ से निकाल लीजिए और उसको यूज़ करके वापस इसमें इंसर्ट कर दीजिए और बंद करने के लिए कुछ नहीं करना, कलर्स को कलेक्ट करना है और यहाँ पे आप जो है ये कलर्स बंद हो जाएंगे। सो दिस इज़ अमेजिंग। इसको रखते हैं साइड में। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? नेक्स्ट है मेरे पास ये एक छोटी सी लिपस्टिक जो कि एक्चुअली में एक इरेजर है और इसके ऊपर बने हुए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे कैप्टन अमेरिकन के कैरेक्टर, जो कि है एवेंजर्स के कैरेक्टर। और ये देखिए इसके ऊपर ये सारे कैप्टन अमेरिकन के कैरेक्टर बना हुआ है और इसमें हमें मिल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ आर्मोरियो एवेंजर। तो ये आर्मोरियो एवेंजर है जिसको हम यहाँ पे इस लिपस्टिक को ओपन करेंगे तो इसके अंदर मुझे मिल जाएगी ब्लू कलर की इरेजर जिसके ऊपर हार्ट शेप भी बनी हुई है और इसको हम ऐसे ओपन भी कर सकते हैं। सो ये देखिए इसको कितना ईजिली ओपन एंड क्लोज करके हम रख सकते हैं। तो इरेजर को इरेज करना और फिर वापस इसको जो है बंद करके रख देना। ये पूरा यहाँ पे हम इस पैक को बंद कर लेते हैं, है ना अमेजिंग। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? नेक्स्ट है मेरे पास ये एक अमेजिंग सी ज्योमेट्री बॉक्स जो कि मुझे यहाँ पे फुल ऑफ आज इसमें जो है हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। चलिए दिखाते हैं क्या क्या इसमें मिलता है। सबसे पहले तो इसका MRP जो है वो 50 रुपीज़ का है और ये बहुत ही पतली सी यहाँ पे पेंसिल बॉक्स है जिसके ऊपर यहाँ एक प्यारी सी पेंसिल भी बनी हुई है। चलिए इसको ओपन करते हैं गाइस। तो ये देखिए कुछ अंदर से इसका ऐसा लुक मिलता है जिसमें मुझे मिल जाती है इसमें एक ये शार्पनर जो कि यहाँ पर सेम मेरी ज्योमेट्री बॉक्स के कलर की है, क्रीम कलर की। उसके बाद मुझे इसमें मिलती है एक ये इरेजर जो कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी इरेजर है और ये भी क्रीम कलर की ही इरेजर है और ये हेक्सेल वाली इरेजर है। और इसमें हमें इसके बाद मिलती है 10 पेंसिल्स जो कि है कुछ इस तरीके से। ये देखें यहाँ पे ये 5 पेंसिल्स और यहाँ पे इसके नीचे भी 5 पेंसिल्स और ये सारी HB2 पेंसिल्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी और शाइनी कलर्स में है और यहाँ पे ये काफ़ी पक्की पेंसिल्स भी हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ग्रे कलर, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर ब्लू कलर और यहाँ पर पिंक कलर, ग्रीन कलर और इसके नीचे आपको एक और कलर मिल जाएगा जो कि यहाँ पर आपको देखें कुछ इस तरीके से और कलर का भी है। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट डिफरेंट कलर के 2-2 पेंसिल्स हैं, यानी कि टोटल 10 पेंसिल्स। और इसको कर देते हैं बंद, है ना अमेजिंग पूरा पेंसिल बॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ये एक और पेंसिल बॉक्स जो कि है यहाँ पे ये पिंक कलर का जो कि है बटरफ्लाई के लुक में और ये भी पूरा पिंक कलर का ज्योमेट्री बॉक्स है जिसके ऊपर यहाँ पे फ्लावर्स बने हुए हैं और लव लिखा हुआ है। और इसके फ्रंट लुक पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं और बटरफ्लाई बना हुआ है और ये कुछ इस तरीके की पूरी पेंसिल बॉक्स है जो कि पिंक कलर की है। यहाँ बैक साइड से इसको ओपन करते हैं तो ये है पहली चीज बैक साइड उस पूरे ज्योमेट्री बॉक्स का। इसको ओपन करते ही ये देखिए ऐसा लुक मुझे इसमें मिलता है जिसमें हम यहाँ पे अपनी पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर रख सकते हैं। और ये है दूसरी ऑप्शंस जिसमें हमें यहाँ क्लास स्केड्यूल दिख रहा है जिसको हम निकाल करके फिल करके वापस से इसके अंदर जो है ऐसे रख सकते हैं। ये देखिए कितना ईजिली यहाँ पे और प्यारा सा ये पूरा येलो, पिंक और वाइट कलर का लुक है। और इसको बंद करते हैं, फ्रंट लुक पे चले तो फ्रंट लुक पे हमें मिल जाता है यहाँ पे एक शार्पनर जो कि है ये वाला। इसमें हमें मिलता है एक बटन जो कि प्रेस करते ही ये शार्पनर ओपन हो जाता है और ये शार्पनर मुझे पूरा बाहर निकालना पड़ेगा एंड तभी मैं इससे यूज़ कर पाऊँगी। सो ये देखिए ये एक ट्रांसपेरेंट लुक का शार्पनर है जिसमें हम अपनी पेंसिल को यहाँ से शार्पन कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप इसको शार्पन कर पाएंगे और सारा डस्ट इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा जिसके बाद आप उसको क्लीन अप कर सकते हैं। और ये शार्पनर वापस से हम इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करके रख सकते हैं और ये देखिए ये पूरा शार्पनर मेरा हो गया है बंद और रेडी। और यहाँ पे मिलता है एक छोटा सा ये बॉक्स भी जिसमें हमें एक छोटा कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें हम अपने इरेजर्स और शार्पनर्स रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का ये पूरा छोटा सा कंपार्टमेंट है जिसमें इरेजर एंड शार्पनर आप रख पाएंगे। दूसरा यहाँ पर मिलता है मुझे ये एक बिग कंपार्टमेंट जिसमें हमें मिलता है ये पिंक एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन और इसमें
रख सकती हूँ अपनी पेंसिल्स, और यहाँ पे मैं रख सकती हूँ अपना जो भी अपना शार्पनर, और यहाँ पे अपनी इरेजर्स को, और इसको हम रख पाएंगे कुछ इस तरीके से अपने पेंसिल स्टैंड के रूप में। सो ये पूरा अमेजिंग सा पिंक कलर का ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स। चलते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्री बॉक्स की तरफ। तो एक और ज्योमेट्री बॉक्स यहाँ पे है जो कि है स्पाइडर मैन के लुक का, और ये है ब्लैक एंड रेड कलर का लुक जिसमें हमें मिलता है आई एम स्टिकिंग विद यू लिखा हुआ, और ये यहाँ पे हमें मिल जाता है स्पाइडर मैन जिसमें हमें देखिए कितना प्यारा स्पाइडर मैन का लुक दिख रहा है, और यहाँ पे मार्वल स्पाइडर मैन का लोगो भी बना हुआ है। सो ये पूरी ज्योमेट्री बॉक्स को ओपन करेंगे तो इसके अंदर मुझे मिलेंगे दो कंपार्टमेंट। सबसे पहला कंपार्टमेंट है ये वाला जिसमें हमें मिल जाती है पेंसिल स्टैंड रखने के लिए यहाँ पे एक पूरे लुक जिसमें हम अपनी पेंसिल्स रख सकते हैं। टोटल 5 पेंसिल्स इस पूरे स्टैंड में हम यहाँ पे रख सकते हैं, और साइड में हम अपनी इरेजर्स या फिर क्रियॉन्स भी रख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे हमें मिल जाता है एक और कंपार्टमेंट जिसमें हम यहाँ पे अपनी जो है कलर्स इरेजर्स जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, एंड वापस से जो है इस पूरे कंपार्टमेंट को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और जस्ट लुक एट दिस, ये हो गया वापस से मेरी पूरी ज्योमेट्री बॉक्स बंद। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे ये एक आउटर स्पेस वाला है, और ये इरेजर का सेट जिसमें मिलती है मुझे 4 इरेजर जो कि है पूरी स्पेस के लुक में। ये देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 इरेजर, वो भी स्पेस लुक की इरेजर्स हमें यहाँ पे मिल रही हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही देखिए कौन कौन सी इरेजर इसमें मिलती है। सबसे पहले तो मिलती है ये एक एस्ट्रोनॉट वाली इरेजर जो कि एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, रेडी है स्पेस में जाने के लिए, और देखिए इसने पूरा सूट पहना हुआ है जो कि स्पेस में जाने के लिए पहना जाता है। नेक्स्ट इसमें देखिए ये एक हमें ये पूरा हेलीकॉप्टर जैसा लुक मिल रहा है जो कि यहाँ पे प्लेन जैसा लुक है, और ये भी हमारा स्पेस में जाने के लिए रेडी है। सो ये वाइट कलर का पूरा स्पेस लुक भी हमें यहाँ मिल रहा है। नेक्स्ट इसमें हमें मिल रही है दो और प्रोडक्ट्स। ये देखिए यहाँ पे एक हमें जो है ये पूरा इस तरीके का सैटेलाइट जैसा दिख रहा है जो कि हम स्पेस में भेजते हैं सैटेलाइट्स वगैरह, वो वाला लुक यहाँ पे दिख रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक ये प्रोडक्ट दिख रहा है जिसमें यहाँ पे एलियंस बैठ करके आते हैं, सो ये वैसा वाला लुक दिख रहा है। सो ये भी अमेजिंग है। तो ये टोटल 4 इरेजर्स हमें यहाँ पे मिल रही है जो कि सारी स्पेस के लुक में है जो कि बहुत ही प्रिटी लग रही है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे ये डिलीशियस यहाँ वेस्टर्न रेस्टोरेंट का एक अमेजिंग सा इरेजर पैक जिसमें मुझे मिलती है 4 डिफरेंट तरीके की इरेजर, और ये पूरा पैक आप देखोगे तो फास्ट फूड का लुक बना हुआ है जिसके पैक साइड में एक शेफ है क्यूट सा पेंडा लुक में, और यहाँ पे बहुत सारे फास्ट फूड बने हुए हैं। यहाँ पे आपकी कोल्ड ड्रिंक है, हॉट बर्गर है, हैम बर्गर है, पॉपकॉर्न है, सैंडविच है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही यहाँ मुझे मिल जाती है ये 4 इरेजर जिसमें सबसे पहले चलिए सारी इरेजर्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। सो ये है एक आइसक्रीम इरेजर जो कि दो फ्लेवर्स वाली है, यहाँ पे पिंक और ये ग्रीनिश फ्लेवर भी है, और इसके नीचे ये स्टिक भी है जिससे हम पकड़ के इजीली इससे इरेजर यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इरेजर है ये आइसक्रीम इरेजर जो कि यहाँ पे पूरा कॉर्न इरेजर है, और इसके ऊपर कॉर्न की आइसक्रीम का लुक बना हुआ है, और इसके ऊपर यहाँ पे पिंक कलर का फ्लेवर वाला यहाँ पूरी आइसक्रीम है। नेक्स्ट इसमें है ये कोका कोला का पैक जो कि है मिनी कोला, और ये पूरा फिल है, और इसमें लगा हुआ है एक स्ट्रॉ, और ये मिनी कोला को आप जो है ड्रिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ये पिज़्ज़ा का स्लाइड जो कि है हाफ स्लाइड, और इसके ऊपर है यहाँ पे बहुत सारी टॉपिंग, बहुत सारा चीज़। तो ये अमेजिंग सा यहाँ पे 4 तरीके वाली ये इरेजर। इसके बाद हमारे पास है एक और इरेजर का पैक जो कि यहाँ पे है ये वाली इरेजर, और इसमें भी मुझे कुछ ऐसे ही स्वीट से आइटम्स इरेजर्स मिल रही हैं। इसको भी हम कर लेते हैं ओपन। ओपन करते ही ये देखिए इसके अंदर हमें मिल जाएंगी ये पूरी इरेजर्स, और टोटल 5 इरेजर्स मुझे इसमें मिल रही हैं जिसमें से सबसे पहली इरेजर है यहाँ पे ये दो अमेजिंग से बिस्किट लुक की इरेजर जो कि यहाँ पे एक है राउंड शेप का और एक है ये स्क्वायर की शेप का। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर पूरी ये क्रीम फिलअप है, और इसके ऊपर और यहाँ बैक साइड में ये पूरा बिस्किट है। दूसरे में भी सेम लुक है जहाँ पे ऊपर और नीचे आपको पूरा बिस्किट दिख रहा है और इसके अंदर क्रीम बनी हुई है। सो ये दो क्रीम लुक वाले बिस्किट का यहाँ इरेजर। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है ये पेस्ट्री जो कि यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी पेस्ट्री है, और इसके ऊपर तो कितनी सारी यहाँ पे वनीला फ्लेवर और ये छोटी छोटी चेरी भी बनी हुई है। सो ये भी एक हमारी अमेजिंग सी इरेजर। नेक्स्ट एक और यहाँ पे पेस्ट्री इरेजर है जो कि 3 फ्लेवर्स की बनी हुई है। ये देखिए इसमें 3 बेस बने हुए हैं और इसके ऊपर 2 यहाँ चेरीज बनी हुई है जो कि स्ट्रॉबेरी जैसी भी लग रही है। सो ये एक और इरेजर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे ये हैप्पी बर्थडे वाली केक इरेजर जो कि यहाँ पे है बेस भी, और इसके ऊपर ये वाइट कलर की पूरी क्रीम है जिसके ऊपर ये छोटे छोटे यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी स्ट्रॉबेरीज दिख रही है। सो ये इरेजर। चलिए नेक्स्ट क्या ओपन करते हैं, नेक्स्ट ओपन करते हैं अपना ये हेलो किटी का पैक जो कि इतना बड़ा है कि जिसने मेरी पूरी यहाँ पे
बास्केट में स्पेस ले ली है। तो चलिए मैं थोड़ी देर के लिए ये बास्केट करती हूँ साइड में और इसको ओपन करते हैं। ये है मेरा हेलो किटी का पैक जिसमें मिलती है मुझे 54 आर्ट सेट। तो इसमें 54 आर्ट सेट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और इसके अगर आप सारी साइड में देखोगे तो यहाँ पे जो है कि हेलो किटी की ही पिक्चर बनी हुई है और ये पूरा पिंक कलर का है। इसको ओपन करने से पहले हम इसका अपर लुक देखते हैं। कुछ इस तरीके का लुक इसमें बना हुआ है जिसमें हम यहाँ पे इसको ओपन करे बिना भी इसको उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। ओपन करने के लिए यहाँ स्लाइड के इस पैक को हमें इस तरीके से ओपन करना होगा और फिर देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारी पूरी हेलो किटी की ये स्टेशनरी आर्ट लुक सेट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे भी मुझे यहाँ हेलो किटी की पिक्चर्स दिखेगी। तो ये है सबसे पहला लुक जिसमें मुझे मिल जाती है ये एक ड्राइंग पेंसिल जो कि है 2HB पेंसिल और इसको जो है आप अपना ड्राइंग करने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे मिलता है ये एक छोटा सा ग्लू स्टिक जो कि यहाँ पर फुल ऑफ ग्लू है और इसको आप कुछ भी पेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मुझे मिलती है ये एक इरेजर जो कि है वाइट कलर की इरेजर और ये देखिए इसके ऊपर भी हेलो किटी की पिक्चर बनी हुई है, इससे आप इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये राउंड शेप का शार्पनर मिल रहा है जिसमें आप अपने ये पेंसिल या फिर अपने कलर पेंसिल्स भी यहाँ पे शार्पन कर सकते हैं। सो ये शार्पन करने के लिए एक शार्पनर और यहाँ पे हमें मिल जाता है इसके ऊपर एक ये आपका वाटर कलर केक्स जो कि यहाँ पे है बहुत सारे वाटर कलर और ये है हमारे वाटर कलर प्लस यहाँ पे ब्रश। ये सारे वाटर कलर और ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं। इसके साथ एक ये पैलेट भी मिल रहा है जो कि एक कवर की तरह भी काम करेगा। सो इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं सो इसमें आप अपने कलर मिक्सिंग करने के लिए, कलर स्टोर करने के लिए, यहाँ पे वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ईजिली आप अपना ब्रश भी इसी में वॉश भी कर सकते हैं। सो ये पूरा लुक यहाँ पे कुछ इस तरीके का है जिसको हम वापस बंद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके नीचे हमें मिल जाते हैं दो ड्रॉर जो कि नीचे वाले पार्ट में है और एक अपर वाला ड्रॉर। तो सबसे पहले नीचे वाले ड्रॉर्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे मिलती है पेंसिल्स जो कि यहाँ पे है कलर पेंसिल्स। तो ये देखिए ये ड्रॉर हम बाहर भी निकाल सकते हैं। सो ये है कलर पेंसिल्स जिसमें हमें 12 कलर्स मिलते हैं और ये देखिए कुछ अलग ही अमेजिंग लुक के ये सारी पेंसिल्स हैं जिसमें हम यहाँ पे सारे कलर पेंसिल्स को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको सारे लेटेस्ट कलर जो शाइनी शाइनी कलर्स हैं सब मिल रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें जो इसमें साथ वाले ड्रॉर में मिलता है वो है ये जो कि है वैक्स क्रियॉन कलर जिसमें आप अपने वैक्स क्रियॉन कलर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर भी हेलो किटी की पिक्चर्स बनी हुई है और इसको भी हम कर देते हैं बंद। सो चलिए इस दोनों पैक को करते हैं बंद। नेक्स्ट है इसके ऊपर एक और स्लाइडर जिसमें हमें मिल जाती है यहाँ पे बहुत सारे स्केच पेन कलर और ये देखिए ये सारे 12 स्केच पेन कलर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसमें सारे ही शाइनिंग कलर्स हमें मिलते हैं। इसमें से एक कलर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। सो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का कलर यहाँ पे हमें मिलते हैं जिसमें वाइट कलर की कैप है और इसको ओपन करते ही यहाँ पे हमें मिल जाते हैं काफ़ी मोटे टिप्स वाले यहाँ पे कलर्स जिसको आप ईजिली वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही 12 कलर हमें इसमें मिलते हैं जिसको हम कर देते हैं बंद और पूरे पैक को कर देते हैं हम यहाँ पे बंद कुछ इस तरीके से। सो है ना अमेजिंग सा पूरा ये हेलो किटी का पैक। चलिए इसको रखते हैं हम साइड में। चलिए अपनी बास्केट वापस ले लेते हैं। अब मेरी बास्केट में नेक्स्ट क्या है, ये दो छोटे छोटे लॉलीपॉप, एक ये पिंक कलर का और एक ये येलो कलर का। सो ये दो लॉलीपॉप मेरी इस बास्केट में क्या कर रहे हैं, क्या मैं लॉलीपॉप खाऊंगी अब? नहीं, ये जो है एक आपके हाइलाइटर्स हैं जो कि यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। सो ये दो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हाइलाइटर, ये येलो कलर और एक ये पिंक कलर। इसमें नीचे हमें स्टिक्स भी मिल रही है जिसमें से हम स्टिक्स हटाएंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे हाइलाइटर्स मिल जाएंगे। ये देखिए ये है पिंक कलर का हाइलाइटर जो कि कितना शाइनी शाइनी कलर चल रहा है और दूसरा ये है येलो कलर का हाइलाइटर और ये भी बहुत शाइनी चल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली है, इसको आप इजीली पकड़ के यूज़ कर सकते हैं। वापस इसको हम कर देते हैं बंद और दोनों की स्टिक्स लगा देते हैं वापस से। तो ये दो दो हाइलाइटर यहाँ पे जो कि यहाँ लॉलीपॉप की शेप के हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये फ्लेयर का क्रिएटिव का एक स्टेशनरी सेट जो कि मिलता है 99 रुपी में और इसमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसकी वैल्यू है 115 रुपीज़। तो ये एक सुपर डुपर सेवर पैक है जिसमें आपको 99 रुपीज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। सो इसमें हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो ये पैक ओपन करना बहुत इजी है। इसमें हमें एक जिप लॉक मिल जाते हैं जिसको ईजिली ओपन एंड क्लोज करके वापस से रखा जा सकता है। तो इसको हम वापस से क्लोज भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, तो है ना अमेजिंग। सबसे पहले इसमें मुझे मिल रही है ये एक ब्लू कलर की बॉम्ब इरेजर, ये जो है बूम डस्ट फ्री इरेजर है जो कि 10 रुपी में हमें मार्केट में मिल जाती है। सो ये एक 10 रुपी वाली इरेजर
इरेजर। नेक्स्ट इसमें मुझे मिल जाता है यहाँ पे ये एक शार्पनर जो कि है अगेन ब्लू कलर का, और ये ट्रायंगल लुक का शार्पनर है जिसमें आप अपनी पेंसिल इजिली शार्पन कर सकते हैं। इसके बाद मिलता है ये एक स्केल जो कि यहाँ पे है 5 रुपी का स्केल, और ये है बिल्कुल एक यहाँ पे नीट एंड क्लीन आपका क्रिस्टल क्लियर स्केल जो कि हमें इस पूरे पैक में मिल रहा है, और ये भी 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल जो कि आप इजीली यहाँ पे वर्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए कितना क्लियर स्केल है। नेक्स्ट इसमें मुझे मिलती है ये फ्लेयर क्रिएटिव की राइट ओ गुड की एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल जो कि यहाँ पे हमें मिल जाती है 70 रुपीज़ की, और इसमें टोटल 10 पेंसिल्स मिल रही हैं यानी कि 7 रुपी की वन पेंसिल हमें यहाँ पे बन जाती है। और इसको ओपन करते ही ये देखिए ये है राइट ओ गुड पेंसिल्स जो कि यहाँ पे ट्रायंगल शेप की पेंसिल्स हैं, और ये सारी ट्रायंगल शेप की अमेजिंग पेंसिल्स, और यहाँ पे मुझे मिलते हैं 5 डिफरेंट कलर। ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे हमें जो है ये कैरेट कलर, ये ब्लू कलर की 2 पेंसिल, ग्रीन कलर की 2 पेंसिल, पिंक कलर की 2 पेंसिल, और उसके बाद ये ऑरेंज कलर की 2 पेंसिल, यानी कि 5 डिफरेंट कलर की यहाँ पे मुझे पेंसिल्स मिल रही है, तो टोटल 10 पेंसिल्स। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे मिलता है ये फ्लेयर क्रिएटिव का मिनीस का स्केच पेन जो कि है 12 स्केच पेन का पैक, और ये मिलता है 15 रुपी में। इसको ओपन करते ही इसमें मिल जाते हैं मिनी स्केच पेन जो कि यहाँ पे है 12 कलर स्केच पेन के, और ये देखिए ये है कुछ मिनी स्केच पेन जो कि यहाँ पे छोटे छोटे पैक्स हैं, बट यहाँ पे हमें इसको ईजिली यूज़ करना, पूरा ईजिली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये पूरे कलर्स कितने शाइनी हैं। इसमें से मैं एक कलर उठाती हूँ, ये ब्लू कलर, और इसको यूज़ करके देखते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में, और ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके के पतले टिप्स हमें मिल जाते हैं जो कि हम ईजिली शाइनी कलर्स मिल जाते हैं, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें हमें मिलता है ये फ्लेयर क्रिएटिव के 12 शेड का वैक्स क्रियॉन कलर जो कि है 10 रुपी का पैक, और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें ये सारे क्रियॉन्स मिल जाते हैं जिसको आप देखिए कितना अमेजिंगली आप यूज़ कर पाएंगे। छोटे छोटे क्रियॉन्स कलर हैं, और यहाँ पे हर कलर के ऊपर आपको इसके शेड्स भी दिख रहे हैं, येलो, पीच, और इसके ऊपर आप देखिए रेड, डीप रेड, और इसके ऊपर पिंक, सारे कलर्स यहाँ पे शेड्स लिखे हुए हैं। तो इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको भी रखते हैं साइड में। नेक्स्ट मेरे पास है ये एक मल्टी अमेजिंग यहाँ पे शार्पनर जो कि एक बनी की लुक में दिख रहा है। ये देखिए इसके बनी जैसे ईयर्स भी है, और ये पूरा पर्पल और वाइट कलर का लुक है, और ये पूरा यहाँ पे आपको शार्पनर मिल जाता है, और ये शार्पनर को यूज़ करना तो बहुत अमेजिंग है। इसमें मैं अपनी पेंसिल को यहाँ पे इस वाले होल में इंसर्ट करूँगी, और यहाँ पे बैक साइड से जो है यहाँ हमें जो हैंडल मिल रहा है इसको घुमाऊँगी, और इसको घुमाते ही यहाँ पे मेरी पेंसिल जो है शार्पन होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे ये देखिए ये पूरी पेंसिल मेरी कितनी अमेजिंगली शार्पन हो चुकी है, और इसको आप देखिए कितना अमेजिंग ये पूरा शार्पनर है। इसको बैक साइड से हम जो है पीछे ड्रॉर मिलते हैं जिसमें हमारा सारा डस्ट कलेक्ट हो जाता है, और इसको जब ये मेरा पूरा पैक जो है फुल हो जाएगा इसको हम क्लियर करके वापस से इस ड्रॉर को अंदर डाल सकते हैं। सो इसमें आराम से आप अपनी पेंसिल शार्पन कर सकते हैं, और अपने टेबल पर भी रख सकते हैं जो कि स्टडी टेबल पर बहुत अमेजिंग लगेगा। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पर ये ग्रीन कलर का डायनासोर की लुक का ये पूरा स्टेशनरी सेट जो कि इतना बड़ा स्टेशनरी सेट है। ये देखिए कितना बड़ा स्टेशनरी सेट है, और इसमें मुझे कितने सारे आइटम्स मिल रहे हैं। बैक साइड से ये पूरा प्लेन लुक भी हमें मिल रहा है। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्लास्टिक का पूरा पैक यहाँ पे है जिसको ओपन करने के लिए हमें ऊपर एक स्लाइडर मिल जाता है जो कि एक जिप स्लाइडर है। इसको ओपन करते ही यहाँ पे मुझे मिलते हैं कुछ इस तरीके के सारे प्रोडक्ट्स, और देखिए इसमें कितने सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और ये हो गया है मेरा पूरा पैक खाली। सबसे पहले इसमें मुझे मिलता है ये व्हाइट बोर्ड मार्कर जिसमें हम अपने मार्कर से बहुत कुछ लिख सकते हैं, और दूसरी साइड पे हमें मिल जाता है यहाँ पे अल्फाबेट, और यहाँ पे प्रैक्टिस राइटिंग के लिए स्पेस। तो इसमें आप बहुत कुछ लिख पाएंगे। नेक्स्ट इसमें मुझे मिलता है ये एक यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स जो कि है ग्रीन कलर का बॉक्स, और इसके पीछे हमें यहाँ पे अल्फाबेट्स और टेबल्स लिखे हुए भी मिल रहे हैं। इसको ओपन करके ये देखिए कुछ इस तरीके की स्पेस हमें मिल जाती है। नेक्स्ट इसमें हमें मिलती हैं ये 3 पेंसिल्स जो कि है ग्रीन कलर की पेंसिल्स, और यहाँ पे डार्क एंड लाइट ग्रीन कलर के पूरे लुक की पेंसिल्स हैं जिसमें आप ईजिली अपनी पेंसिल शार्पन करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मिलता है ये एक यहाँ पे सीजर जो कि लाइट और डार्क ग्रीन कलर का सीजर है, और इसमें आप अपने पेपर्स कटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मिलती है ये एक प्यारी सी डायरी जो कि है ग्रीन कलर की ही डायरी, और इसके ऊपर भी ये पूरा डायनासोर का लुक बना हुआ है, और इसमें आप देखिए ये पूरी अमेजिंग सी डायरी है जिसके अंदर हमें ये पिंक कलर के पेजेस मिल जाते हैं जिसमें आप अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं, और इसके ऊपर पर यहाँ पे ईयर, मंथ, डे और वेदर सब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें मिलता है ये 2 व्हाइट बोर्ड मार्कर और डस्टर जिसमें हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं अपने इसी
वाले व्हाइट बोर्ड पे। तो ये व्हाइट बोर्ड हमें मिल रहा है और ये मार्कर हमें मिल रहे हैं। दो मार्कर है तो एक साइड रख लेते हैं और एक से हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखेंगे। तो हमारे चैनल का नाम है के फन और आप इसे ज़रूर यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। और इसको देखिए हमने क्लीन कर लिया और देखिए कितना क्लीन हो गया है, कोई भी यहाँ पर जो है मार्क नहीं है। सो इसको हम बंद करके रख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें मिलता है एक ये इरेजर और एक यहाँ पर ये शार्पनर, जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर का शार्पनर है। सो ये है एक ग्रीन कलर का ZigZag शार्पनर और एक ये व्हाइट कलर की इरेजर जिसके ऊपर ये डायनासोर का पूरा लुक बना हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाती है दो फिश के लुक में यहाँ पे ये पेंसिल ग्रिपर, जिससे हम अपनी पेंसिल ग्रिप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास बचा है एक लास्ट प्रोडक्ट जो कि है ये यूनिकॉर्न का अमेजिंग सा स्टेशनरी सेट, जो कि है ये पिंक कलर का, जिसके ऊपर बैक साइड पर यूनिकॉर्न ड्रीम लिखा हुआ है और फ्रंट लुक पर बहुत सारी यूनिकॉर्न की पिक्चर है। इसको भी फटाफट ओपन करके चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे मिल जाती हैं 6 पेंसिल्स जो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर की है और ये सारी पेंसिल्स शाइनी कलर्स में देखिए आप कितनी प्यारी और प्रिटी लुक में मिल रही हैं, जिसमें बैक साइड पे हमें इरेजर्स भी मिल रही है। सो यहाँ पे ये येलो कलर की दो, पिंक कलर की दो और ये यहाँ पे हमारी जो है यहाँ पे पर्पल कलर की दो पेंसिल्स, यानी टोटल 6 पेंसिल्स मिल रही हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी हैं। नेक्स्ट इसमें हमें मिलता है ये पिंक कलर का शार्पनर जो कि आपका यहाँ पे प्यारा सा क्यूट सा शार्पनर है। नेक्स्ट इसमें मुझे मिलता है ये पेपर स्केल जो कि है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये एक बुकमार्क भी है, इसके ऊपर एक स्वीट सी यूनिकॉर्न की पिक्चर भी बनी हुई है। नेक्स्ट इसमें मुझे मिल जाता है ये एक पेंसिल ग्रिपर जो कि यहाँ पर पिंक कलर का फिश की शेप में ही है। नेक्स्ट इसमें हमें मिलती है ये दो इरेजर्स जो कि है यूनिकॉर्न के लुक में, एक है ये पिंक कलर की और एक है ये ग्रीन कलर की, जो कि पूरी यूनिकॉर्न के लुक में बनी हुई है और देखिए कितने सुंदर ये दोनों यूनिकॉर्न्स लग रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे दो और इरेजर्स मिलती हैं जो कि यहाँ पे फिश के टेल लुक में है, जो कि यहाँ पे दोनों ही कलर मुझे पिंक एंड ग्रीन कलर मिल रहे हैं। तो कैसे लगे ये गाइस पूरी वीडियो, आपको अच्छी लगी हो, सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हो तो ज़रूर मुझे लाइक करके बताइएगा और ज़रूर कॉमेंट करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।